हेलो, मैं हरिशंकर सहनी आपके यूट्यूब चैनल एचआर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम लिमिट का चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसमें से आपका इंट्रोडक्शन पार्ट चल चुका था और डायरेक्ट पुटिंग मेथड को हमने सीख लिया था, कैसे हम मान पुट करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसको डायरेक्ट मेथड से हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने पहले बता दिया था बच्चों कि सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि डायरेक्ट पुटिंग मेथड में हम हर का मान कभी भी शून्य नहीं ले सकते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन नंबर टू जो है, यहाँ पे अगर एक्स का मान बच्चों रखोगे, एक्स का मान जब बच्चों रखोगे तो दो, यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ से जब अगर दो रखोगे तो दो प्लस पांच, इसका मतलब हो जाएगा सात। अर्थात हम कह सकते हैं कि जीरो नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ले सकते हैं टेकिंग लिमिट। तो टेकिंग लिमिट कहने का मतलब है कि टेकिंग लिमिट, लिमिट लेने पर, तो डायरेक्ट लिमिट लेने पर। तो डायरेक्ट लिमिट जब लीजिएगा तो यहाँ पे एक्स का मान दो रखेंगे तो दो का, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस एट तो माइनस एट, और यहाँ पे टू प्लस आपका सेवन हो जाएगा, और यहाँ से आप करेंगे तो दो का स्क्वायर जो हो जाएगा वह चार हो जाएगा, माइनस एट हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जोड़ हो जाएगा तो आपका सेवन हो जाएगा, घटाएंगे यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस फोर अपॉन में सेवन, तो आपका आ गया ये आंसर। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए, समझिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैथ का यही सही टेक्निक होता है बच्चों। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ पे जब एक्स का मान अगर पुट करेंगे तो आपका वन प्लस, अगर पुट करेंगे एक्स का मान अगर जीरो तो आपका वन निकलेगा। इसका मतलब यह है कि हर का जो मान है यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्ट पुटिंग मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे बच्चों लेते हैं टेकिंग लिमिट। तो टेकिंग लिमिट लिखते ही आप मान को डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स का जो मान है वो आपको रखेंगे तो टू प्लस एक्स का जो मान रखेंगे वह जीरो हो जाएगा, और यहाँ से टू माइनस हो जाएगा जीरो, अब यहाँ से वन प्लस आपका हो जाएगा जीरो, यहाँ से जब इसको जोड़ेंगे तो आपका जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है तो टू, और आपका हो जाएगा टू और बटा में वन, यानी कि एक रूट टू और एक रूट टू आपका हो जाएगा टू रूट टू, और एक का आपको बटा में वैल्यू नहीं होता है। चले तो आपका थ्री नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन रहा। अब नेक्स्ट आपका जो है लिमिट एक्सटेंड्स टू वन, वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन बट वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इस बात को जानते हैं कि यहाँ पे अगर एक्स का मान वन रखेंगे तो वन प्लस एक का होल स्क्वायर, एक को कितना बार भी लिखेंगे तो वन ही आएगा। इसका मतलब हर का मान जो है वह आपका शून्य नहीं आ रहा है, तो हम डायरेक्ट टेकिंग लिमिट लिखेंगे। तो टेकिंग लिमिट जब करेंगे तो हम डायरेक्ट मान को रख सकते हैं। तो आप यहाँ से वन प्लस एक्स का मान रखेंगे वन, तो वन माइनस जीरो होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, अब नीचे में आपका वन प्लस एक्स स्क्वायर तो आपका सॉरी, यहाँ पे एक्स का मान जो है आपका वन, तो वन माइनस वन हो जाएगी, और यहाँ से आपका वन प्लस एक्स, एक्स का मान आपका वन तो होल स्क्वायर, वन प्लस एक्स का मान वन है तो आपका वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, वन प्लस एक कट जाएगा तो आपका हो जाएगा जीरो, और जीरो का होल स्क्वायर फर्क नहीं पड़ता, एक एक का स्क्वायर करेंगे तो वन प्लस वन ही आ जाएगा, और इसको ऊपर से वन और नीचे जोड़ेंगे तो टू टू, आपका ए आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हमने देख लिया डायरेक्ट पुटिंग मेथड से तीन क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम चलेंगे लिमिट के अगले पार्ट पे, जो कि आपका होगा फ्रैक्शन मेथड। तो इसको देखेंगे जो भी है बच्चों, तब तक के लिए इसको नोट करिए। तो चलिए प्यारे बच्चों हम रूल नंबर टू को देखते हैं। रूल नंबर टू जो है प्यारे बच्चों, वह फैक्टराइजेशन मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड करने का मतलब है कि गुणनखंड विधि से हम कैसे लिमिट को निकालेंगे। तो गुणनखंड विधि उस समय इस्तेमाल करेंगे जब हर कमान आपका शून्य आ जाएगा, तो उस समय आपको फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि कैसे इसको निकालेंगे। तो फैक्टर आपको सबसे पहले आनी चाहिए। तो देखते हैं यह मेथड बोल रहा है कि यदि मान रखने पर हर कमान
शून्य हो जाए तो फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर यहाँ से अगर x का मान रखिएगा तो 5 का जब स्क्वायर करिएगा तो आपका 5 का स्क्वायर 25 माइनस 25 या कट के आ जाएगा शून्य। इसका मतलब यह है कि आपका हर का जो मान आ रहा है शून्य, तो आपका मेथड भी वही कह रहा है कि हर का मान अगर शून्य आ जाएगा तो हम फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब फैक्टर तोड़ेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे। तो गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे बच्चों देखते हैं। यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 5, यहाँ पे देखिए तो गुणनखंड तोड़ने का जो रूल होता है वो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस इतना क्वेश्चन दे रखा है। तो फर्स्ट का लास्ट में हम क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। तो आपका मल्टीपल करने से आपका आता है 25 का 25, आपको जोड़ के लाना है माइनस 10। इसका मतलब यह है कि अगर 25 को जब आप तोड़िएगा तो 5 गुने 5, कहने का मतलब है कि माइनस 5 और माइनस 5, तो देखिएगा तो आपका माइनस 10 आसानी से आ जाएगा। गुना करेंगे तो 25 भी आ जाना चाहिए। तो आपका 25 का 25 भी आ गया और जोड़ने पर माइनस 5 माइनस 5 जो माइनस 10 भी हो गया। तो देखिए प्यारे बच्चों कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर इसके जगह पर हम रखेंगे माइनस 5x, फिर से माइनस 5x प्लस आ जाएगा 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा 25। तो लिमिट x टेंस टू आपका हो जाएगा 5, यहाँ से कॉमन लेंगे तो आपका यहाँ से हो जाएगा x, जब कॉमन लेंगे बच्चों तो हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, फिर माइनस 5 यहाँ से कॉमन लेंगे, दोनों में है दो दो करे कॉमन लेंगे तो माइनस का चिन्ह बदलेगा, माइनस वाला हो जाएगा प्लस x, प्लस वाला हो जाएगा माइनस आपका, फिर से ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे 25 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू हो जाएगा ए माइनस बी। तो बच्चों देखते हैं आगे, लिमिट x टेंस टू 5 है, यहाँ से कॉमन मिल रहा है x माइनस 5 और फिर से मिल रहा है x माइनस 5, नीचे में आपका बच रहा है x प्लस 5 और x माइनस 5, x माइनस 5 से एक x माइनस 5 कट जाएगा। तब यहाँ से देखिए बच्चों जब तक जीरो आते रहेगा तब तक आप फैक्टराइजेशन करते रहिएगा। यहाँ पे जीरो अब नहीं आ रहा, अगर 5 रखेंगे तो 5 पाँच 10 आ जाएगा। तो अब मेरा काम क्लियर है, अब यहाँ से लिमिट ले सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे बच्चों टेकिंग लिमिट, तो जैसे ही टेकिंग लिमिट लिखेंगे यहाँ पे मान रख सकते हैं। तो आप x के जगह पर 5 रखोगे तो आपका बच्चों का है 5 माइनस 5 और यहाँ पे x का मान रखें तो 5 प्लस 5 इक्वल टू यहाँ पे 0 बटे आपका 10, और 0 में कोई भी संख्या से गुना भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 0। तो आपका ये आंसर रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं यहाँ से कि फ्रैक्शन मेथड फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग हो रहा है कि नहीं। तो फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब x का मान 1 रखेंगे, x का मान जब 1 रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा, तो आप फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। तो चूंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है ए माइनस बी इंटू होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस होता है बी स्क्वायर, तो ये आपका फॉर्मूला होता है बच्चों। तो यहाँ पे इसको लिमिट x टेंस टू 1 आपका x क्यूब और यहाँ पे एक का तो होल क्यूब कर ही सकते, क्योंकि एक का बच्चों अगर कितना भी पावर दोगे तो वह आपका एक ही होगा, इस कारण से यहाँ पे जो है एक का क्यूब करेंगे। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं किस प्रकार से, तो आपका बटा में x माइनस 1 है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है माइनस बी, यहाँ पे इसको करेंगे वही चीज, लिमिट एक्स टेंस टू आपका हो जाएगा 1 बच्चों, और यहाँ से हो जाएगा ए माइनस बी, उसके बाद हो जाएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए का मान क्या है एक्स है, बी का मान क्या है 1 है, प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मान क्या है 1, तो 1 का होल स्क्वायर बटा में क्या है एक्स माइनस 1, तो एक्स माइनस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपका बच गया लिमिट एक्स टेंस टू 1 और बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ से टेकिंग लिमिट ले सकते हैं क्योंकि आपका हर कमान हट चुका है जीरो से, यानी कि एक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं टेकिंग लिमिट, लिमिट लेने पर, तो लिमिट लेने पर तो एक्स का मान रखेंगे 1 यानी कि 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 टेकिंग लिमिट पर, तो एक का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 आपका
जो आंसर हो जाएगा वो थ्री बच्चों, आपका आंसर कंप्लीट। देखिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं।